कन्नौज पुलिस ने गंगा कटरी के एक गांव में असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। असलहा बनाने के उपकरण सहित पुलिस ने 7 देसी कट्टे और 4 दर्जन कारतूस बरामद किए हैं। असलहे का कारोबार करने वाले 3 बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कन्नौज की सदर कोतवाली के कटरी क्षेत्र के चांदापुर गाँव में पुलिस को अवैध रूप से शस्त्र बनाने की सूचना मिली, जिसके बाद सदर कोतवाल ने भारी फोर्स के साथ चांदापुर के सुनील वाल्मीकि के घर में छापा मारा। यहां पुलिस को असलहे बनाने की पूरी फैक्ट्री चलती मिली। पुलिस को देख असलहे बना रहे सुनील सरनाम और नीरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन भारी फोर्स के कारण तीनों भागने में नाकामयाब रहे। कल रात में छापेमारी की थी तो उसमें गंगा की कटरी के पास एक चौकी पड़ती कुसुमपुर, वहाँ पे चांदापुर एक गाँव है, वहाँ पे सीओ सिटी के निर्देशन में पूरी फोर्स द्वारा चेक किया गया तो एक व्यक्ति नीरज पांडे जिसके कब्जे से कुछ असलहे बरामद हुए थे और उसने बताया कि वो असलहे जो है वो आसपास के लोगों को सप्लाई करता है। उसकी निशानदेही पे 7 असलहे छोटे बड़े बने हुए बरामद हुए हैं और काफ़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है। उसमें 2 व्यक्ति और पकड़े गए हैं, एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग के आधार पर विधिक कार्यवाही आगे की जा रही है। Thank you.